दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पिक्सल वर्ल्ड हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे चैनल पर रोज़ अच्छे अच्छे वीडियोस आती रहती हैं डेली लाइफस्टाइल से जुड़ी और मोबाइल से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि पेटीएम में जो डेबिट कार्ड है वो हाथ में अभी तक हमको नहीं मिला है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों, घर बैठे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड को, और डेबिट कार्ड हाथ में आने के बाद हम किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड में जाके और स्वाइप करके मनी निकाल सकते हैं, और किसी भी शॉपिंग में जाके हम इस डेबिट कार्ड से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना होगा पेटीएम के ऐप के अंदर। अगर आपके पास पेटीएम का ऐप नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके बाद पेटीएम का ऐप अगर ओपन करेंगे तो नीचे दिखा रहा है, देख लीजिए, स्कैन के बाजू में बैंक का है लोगो, तो इस बैंक पर क्लिक करते हैं इसे। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमें कुछ मॉडल दिखाई दे रहा है कि हमारा डेबिट कार्ड कैसा होगा। तो इसमें मेरा नाम टाइप किया हुआ है और मेरे पास जितना बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर नीचे देख लीजिए, डेबिट एंड एटीएम कार्ड बाजू में न्यू करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके पेटीएम के ऐप में अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना पेटीएम का ऐप आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा डेबिट एंड एटीएम कार्ड का, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, रिक्वेस्ट कार्ड पर हमें क्लिक करना है, उसके पहले नो मोर पर हम क्लिक करके इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है विथड्रॉ कैश फ्रॉम एनी एटीएम पूरे इंडिया वाइड, यहाँ पे 1,00,000 एटीएम में आप किसी भी बैंक के एटीएम में निकाल सकते हो उनका कहना, और उसके बाद किसी भी शॉपिंग में आप ये कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें सबसे अच्छा ऑफर मुझे ये लगा कि आप पेटीएम के ऐप के अंदर से ही अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कार्ड आपको डाउट है कि खो गया या किसी ने चुरा लिया या नहीं दिख रहा है, आपको डाउट है कि कोई स्वाइप कर लेगा या कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो आप अपने पेटीएम के ऐप के अंदर से ही कार्ड के नीचे आप देख लीजिए ब्लॉक योर कार्ड पर लिखा, आप इस पर क्लिक करते ही आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि दूसरे एटीएम के कार्ड का ऐसा होता है कि टोल फ्री में फ़ोन करो वरना बैंक में जाओ, बैंक में कंप्लेंट डालो, और झंझट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट कार्ड पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें कार्ड का नमूना दिख जाता है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया है हमारा एड्रेस। अगर आपको दूसरे एड्रेस पर मंगाना है तो आप ऐड न्यू पर क्लिक करके अपना नया एड्रेस भी टाइप कर सकते हो। सबसे नीचे जो लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे 120, यानी हमें अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो हमें 120 रुपये तो पे करना ही होगा। दोस्तों, अगर आपको चाहिए, आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर होगा। आप 120 रुपये पे करके आप अपने घर बैठे ही आराम से डेबिट कार्ड मंगवा सकते हो और जब चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए 120 रुपये कटेंगे, बस सिंपल सी बात है दोस्तों। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगी नहीं लगी मुझे पता नहीं चलता, जब लाइक करोगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।